हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न 12th स्टैंडर्ड मराठी लेसन नंबर 4, दैट इज रे थाम जरा आषाढ़ घना। तो ये वीडियो आपको मैक्सवेल रेजोल्यूशन पे देखना है ताकि वीडियो क्लियर दिखे। चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। रे थाम जरा आषाढ़ घना, जो घना आषाढ़ है, ठीक है, यानी श्रावण के पहले आषाढ़ यानी बारिश का टाइम, तो उसकी बात कर रहे हैं कि जरा रुको। तो जो इस लेसन में, इस चैप्टर में जो कठिन शब्द दिए गए हैं वो यहाँ पे हैं, उसकी मीनिंग यहाँ पे दिया गया है। इसे देखो, किमिया यानी जादू, मैजिक, टेट यानी क्या होता है, स्टेम, ठीक है, कंठ यानी गला, थ्रोट, त्रिन यानी घास, कालोक यानी एकदम डार्कनेस, अंधेरा, ओके, प्रवाड़ यानी कोरल, जो पोवड़ होते हैं, तो ये सारी यहाँ पे दी गई हैं। आगे देखते हैं, समझते हैं। कविता का आशय क्या है, रे थाम जरा आषाढ़ घना, ये निसर्ग कविता है। यहाँ पे कवि बाब बोरकर, तो इन्होंने क्या बोला है, आषाढ़ घना लाच थामने आची विनती करता, तो वो क्या करें, आषाढ़ घना को रुकने के लिए विनती करते हैं। आषाढ़ सरिनी तृप्त झालेली धरणी पूर्त फुलून गेली आहे, आषाढ़ ने क्या है, धरती को तृप्त कर दिया है, चारों तरफ फुल फल फूल गई है, हमारा जन्म घात ले लिया, अतावने लाला करा पाण्यात पालक आनंद मनता मानता तसात आनंद। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अभी ये हर एक पैराग्राफ वाइज यहाँ पे मीनिंग दिया गया है। इसका ये रहा पहले वाले का, यही ये पहले वाले का है। आषाढ़ घना से विनती कर रहे हैं कि आषाढ़ घना तू केलेली करुण, तुझात नजरे साठ साठ वो ये तुझे, तुम्हारी जो कृपा है सावली यानी कि जो पूरी सृष्टि पे है, ठीक है, पूरा निसर्ग क्या हो गई है, एकदम बाहर आ गया है। श्वेता मध्य यानी खेतों में क्या हो गया है, बीज लोगों ने डाल दिया है और खूब छान उगा लिया यानी बहुत अच्छा उगा हुआ है। त्यासी रोपे बढ़ता है और वो भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, जो बीज लगाए गए हैं। तो ये यहाँ तक हुआ। अभी सेकेंड का देखते हैं, सेकेंड का ये वाला, कोमल पासुसी ही तो ज्याज पदविन्यास सखुना, इसका यहाँ पे देखो दिया गया। उसका जो पोपटी हिरवा रंग यानी पोपटी कलर एकदम ग्रीन, जो धानी कलर होता है उसको बोलते हैं पोपटी हिरवा रंग। पाचूसीच आठवन करून देतो, पोड्यासारखा तांबूस लाल मातीचा रंग, मनाला विलक्षण वेघून वेधून घेणारा आहे। यहाँ पे सब दिया गया। सब यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है। कारण ने शोधा, यहाँ पे रीज़न बताना है। देखो ये जो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, कवि आषाढ़ घनाला थंबाइला संगतात कारण, इसका क्या कारण है, कारण, अब कारण जो है यहाँ पे ये डार्क कलर में दिया गया है, ठीक है, करुणा डोले भरुण त्याला पायची आहे। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन था ये नीचे वाला, इसका आंसर यहाँ पे है, ये रहा। यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन हो गए। अभी ये जो क्वेश्चन है आपका, खालिल उड़ीसी उड़ीसा अर्थ लिया, ये वाला,
ग्रामर के यहाँ पे कुछ पार्ट्स, जैसे यहाँ पे समास विग्रह, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में आनी चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे, बना पाओगे इसको, ठीक है। तो ये समास विग्रह, संधि, अलंकार, रस, ये सब तो आपको ये चीज़ें डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, तो आपको आएगा। अगर आपको इसके कोई, एक बार मैं आपको वापस से ये दिखा देती हूँ अच्छे से क्लियरली, और आपके हर एक वीडियोस बने हुए हैं, जो भी आपको वीडियो चाहिए SPOC डिटेल में चाहिए अगर एक्सप्लेनेशन, तो वो भी आपको मिल जाएगा, अगर एक्सप्लेनेशन की नीड है तो। और ग्रामर से रिलेटेड कोई भी, चाहे हिंदी ग्रामर, चाहे इंग्लिश ग्रामर, या फिर निबंध वगैरह, आपको जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, अगर अपलोडेड नहीं है तो मुझे कमेंट बताइए। वैसे तो अलग अलग प्लेलिस्ट सारे चैप्टर्स के बने हुए हैं, सारे सब्जेक्ट के बने हुए हैं, पर अगर आपको लगता है कि कोई नहीं है या फिर ब्लर है, ज़्यादा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे कमेंट बताइए, फिर उसका मैं क्लियर वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगी। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो सारे दिए हुए हैं, ये सब समास वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको आनी ज़रूरी हैं डिटेल में, ये सारी चीज़ें, जैसे अलंकार, रस, और ये समास, संधि विच्छेद, ये कुछ चीज़ें ऐसे हैं ग्रामर के जो आपको डिटेल में आने चाहिए, ज़रूरी है, तो ही आप इनको बना पाओगे, इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे, और आपको इसका अगर अलग से वीडियो चाहिए, सेपरेट वीडियो चाहिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, सब मिल जाएगा उस पर भी, और कोई भी आपके स्टडी से रिलेटेड